मलाईगढ़ में गया पाली की शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने एडमिशन फीस वसूलने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना के चलते सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में एडमिशन शुल्क की छूट दी है, लेकिन स्कूल के प्राचार्य की ओर से फीस वसूली जा रही है। 285 छात्र छात्राओं से एडमिशन फीस वसूली गई। मामले में प्राचार्य ने शुल्क में छूट होने की जानकारी नहीं होने की बात कही है। हायर सेकेंडरी स्कूल गेड़ापाली में 10वीं क्लास में एडमिशन होने गई थी। अशोक सर ने 800 लिए। अभी आया है वो 2 सितंबर पाया है और माध्यमिक शिक्षा मंडल या शिक्षा विभाग में एडमिशन का समय जो है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक निर्धारित किया था। अब ये शुल्क की जानकारी 2 सितंबर को ही, क्योंकि बच्चे एडमिशन हो रहे थे तो इसलिए उससे पूर्व ये जानकारी नहीं थी। अपने पास सुरक्षित रखा गया है बैंक में।